सो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं इसी तरह के ग्लिच इफेक्ट वीडियो बनाने के लिए जो कि अभी ट्रेंडिंग में है, तो आराम से बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, और अपने चैनल में नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, उसके लिए पहले आपको मोबाइल में काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस आइकन में जाना है। जाने के बाद आपको 1.1 रेशियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको मीडिया में जाना है, बैकग्राउंड में जाना है। जाने के बाद एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है। उसके बाद आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपको एक इमेज का लिंक मैं दे दिया हूँ, स्क्वायर साइज इमेज, उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ऐसा आपको इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद ये जो ऑप्शन आपका है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको फास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे आपको फुल स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। आपको कुछ फ़ोटो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप पिंटरेस्ट एक एप्लीकेशन है, उसमें आपको बहुत सारा सेलिब्रिटी के फ़ोटो आपको मिल जाएगा। वहाँ से बहुत सारा फ़ोटो आपको डाउनलोड कर लेना है। 12-15 फ़ोटो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जिसका भी आप स्टेटस बनाना चाहते हैं वही सेलिब्रिटी का आपको फ़ोटो डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको एक एक करके इधर इनपुट करना है। तो फिलहाल अभी मैं एक फ़ोटो इधर से इनपुट करता हूँ। ऐसे आपको इनपुट करना है। उसके बाद उसको आपको छोटा कर लेना है। ऐसे करके स्टार्टिंग आपका जो बॉक्स है उसके ऊपर आपको ऐसे रख लेना है। आपका छोटा बड़ा अगर होगा तो आपको उसको क्रॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये थोड़ा छोटा हो रहा है, उसको मैं क्रॉप कर देता हूँ। उसके लिए आपको क्रॉपिंग में जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं इधर आपका क्रॉपिंग का आइकन आ गया। उसके बाद इसको ऐसे छोटा कर लेना है। उसके बाद आपको बैक करना है। उसके बाद फिर से इमेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऐसे करके इसके ऊपर एडजस्ट करना है। एडजस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है, ब्लेंडिंग में जाके इधर एक ऑप्शन है स्क्रीन, स्क्रीन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा परफेक्ट होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे से दिख रहा है। उसको थोड़ा और एक बार छोटा कर लीजिए ऐसे करके। तो आपको फोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, जो कि आपका चारों तरफ से सही रहे। तो देख सकते हैं ये हमारा सिलेक्ट अच्छा अच्छे से हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फ़ोटो इसको क्लिक करना है। इसके लिए आपको देख सकते हैं ये जो कैप्चर का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके कैप्चर एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा फ्रेम है उसका पूरा फोटो आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फ़ोटो को डिलीट कर लेना है। फिर से एक बार आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। फिर से और एक फ़ोटो आपको इधर से ले लेना है। मैं और एक फ़ोटो इधर से ले लेता हूँ। फ़ोटो लेने के बाद उसको भी ऐसे छोटा करके सेकेंड आपका जो बॉक्स है, सेकेंड बॉक्स में ऐसे रख के आपको ऐसे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से ब्लेंडिंग में आना है। उसके बाद उसको भी स्क्रीन कर लेना है। तो सेकेंड फोटो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ये देख सकते हैं कैप्चर का ऑप्शन, कैप्चर के ऊपर करने के बाद क्लिक एंड सेव। फिर से आपको क्या करना है, सेकेंड फोटो को ऐसे डिलीट करना है। उसके बाद फिर से लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। उसके बाद आपको और एक फ़ोटो ले लेना है। लेने के बाद ऐसे आपको फुल स्क्रीन में ले आना है। ऐसे करके फुल स्क्रीन में ले आने के बाद आपको क्या करना है, ये फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे जाना है ब्लेंडिंग में। फिर से आपको स्क्रीन सिलेक्ट करना है। ऐसे करके स्क्रीन आपको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ोटो को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। थोड़ा ऊपर नीचे आपको कलर आपको दिखेगा तो ऐसे करके एडजस्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं हमारा जो फ़ोटो अभी परफेक्टली सेट हो गया। उसके बाद फिर से आपको क्या करना है, कैप्चर एंड सेव करके ऐसे सेव कर लेना है। फिर से उसको डिलीट कर लेना है। फिर से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको फ़ोटो में जाना है और कोई सा भी एक फ़ोटो आप ले सकते हैं। उसके बाद इसको भी छोटा करके ये थर्ड जो बॉक्स है उसके ऊपर सेट कर लीजिए। अगर आपको ये सेट नहीं होता है तो फिर क्रॉपिंग में जाके आप इसको थोड़ा क्रॉपिंग कर लीजिए। उसके बाद बैक करके इधर से आपको अच्छे से इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो फिलहाल उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको अच्छे से क्रॉपिंग कर लेना है। तो अच्छे से आपको ऐसे करके पूरा जितने भी 9 बॉक्स आपका है, 9 बॉक्स को पूरा आपको अच्छे से फ्लिप, जो कि एक एक करके पूरा आपको फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं ये हो गया, लेकिन थोड़ा नीचे रह गया। उसका क्रॉपिंग में जाके उसको अच्छे से ऐसे क्रॉपिंग कर लीजिए। तो देख सकते हैं हमारा 3 नंबर भी हो गया। उसके बाद आपको कैप्चर करके सेव करना है। ऐसे करके जितने भी आपका जो 9 बॉक्स है आपको 9 फ़ोटो लगाना है, और उसके बाद आपका जो फुल फ़ोटो है, फुल फ़ोटो 4-5 आपको बना लेना है। तो फिलहाल मैं आपकी जल्दी जल्दी से पूरा बना लेता हूँ।
सो फ्रेंड, इसके बाद फिर से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस आइकन में जाएंगे, उसके बाद 1.1 रेशियो को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन है सेटिंग्स, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद एडिटिंग में आने के बाद इधर देख सकते हैं कि फिट इन स्क्रीन है, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऊपर आपका ड्यूरेशन का ऑप्शन है, उसको पूरा आपको 0.5 जो है उसको थोड़ा उससे थोड़ा कम कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। उसके बाद आपको बैक करना है, उसके बाद मीडिया में जाना है, जो फोटो आपने अभी कैप्चर किया था वो फोटो को इधर से ऐड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चर ऑप्शन आपका काइनमास्टर में शो करेगा। उसके बाद आपको एक एक करके लाइन में जो जो फोटो आपने ऐड किया था, 9 बॉक्स वाला फोटो ऐड करना है, उसके बाद और एक फुल फोटो ऐड करना है, फिर से 9 फोटो बॉक्स वाला ऐड करना है, फिर से एक फुल साइज फोटो ऐड करना है। ऐसे करके आपको पूरा फोटो एक एक करके आपको इधर से लगा लेना है। तो फिलहाल अभी मैं एक एक करके पूरा आपको सिलेक्ट करके आपका 9 फोटो आ गया, उसके बाद आपको एक फुल फोटो लगा लेना है। फिर से आपको 9 फोटो ऐसे करके एडजस्ट करके लगा देना है, फिर से आपको और एक फुल फोटो ऐड करना है। ऐसे करके 3-4 बार आपको ऐसे करके पूरा आपको ये 10 सेकंड तक कर लेना है। तो फिलहाल अभी मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, देख सकते हैं ऐसे करके मैं पूरा उसको कितना 10 सेकंड तक ले आया। तो थोड़ा छोटा है, अगर आप 30 सेकंड के लिए स्टेटस बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को आपको पहले सेव करना है। इसके लिए आपको एक्सपोर्ट में जाके उसको 1080p और 60 फ्रेम रेट अगर आपको सपोर्ट करते हैं, 60 में कीजिए, नहीं तो 30 में फ्रेम रेट में आपको इसको पहले एक्सपोर्ट कर लेना है। तो फिलहाल अभी मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, इसके बाद क्या करना है, आपको फिर से काइनमास्टर ओपन करके प्लस आइकन में जाना है, उसके बाद 1.1 रेशियो को सिलेक्ट करना है। अभी आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था वो एक्सपोर्ट फोल्डर में आपको इसको इधर से ऐड करना है। तो देख सकते हैं अभी हमारा वीडियो 10 सेकंड का है। अगर आप इसको 30 सेकंड करना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद 3 डॉट में जाके डुप्लीकेट करके इसको आपको 3 बार डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने से आप देख सकते हैं ये 30 सेकंड का आ गया। तो फिलहाल अभी मैं 10 सेकंड के लिए बना रहा हूँ, आप चाहेंगे तो उसको 30 सेकंड के लिए बना सकते हैं। तो अभी मैं 10 सेकंड में आपको बना के दिखा देता हूँ। तो ऐसे वीडियो आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, एक वीडियो का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो का आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इनपुट करना है, उसके बाद फास्ट ऑप्शन में जाके उसको फुल स्क्रीन करना है। उसके बाद वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आके ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद इधर आपके ऑप्शन है अल्फ़ा, उसको जाके 79 तक आपको रख लेना है, ऐसा करके 78 79 ऐसे आ गया। उसके बाद फिर से आपको लेयर में जाना है, फिर से और एक वीडियो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी वीडियो मैं अभी यूज किया हूँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद आपको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के बाद ऐसा इनपुट करेंगे, उसको भी आपको फुल स्क्रीन करना है। उसके बाद वीडियो लेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग में जाके इधर आपको इधर से स्क्रीन सिलेक्ट करना है। तो स्क्रीन आ गया, उसके बाद ये साउंड उसका मैं ऑफ कर लेता हूँ पहले। तो हो गया, आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको प्ले करके वीडियो दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है हमारा वीडियो, देख सकते हैं बहुत ही ऑसम लग रहा है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको वीडियो आपकी देख सकते हैं, हमारा इफेक्ट भी आ गया और हमारा जो रेड लाइट इफेक्ट उसको मिल रहा है, उसके बाद हमारा ग्लिच इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारा वीडियो रेडी हो गया। उसके बाद आप ऑडियो में जाके कोई भी सॉन्ग आप इधर से ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल एक मैं सॉन्ग इधर से ऐड कर लेता हूँ। आप कोई भी सॉन्ग ऐड करेंगे तो ऐसे दिखाने के लिए मैं आपको एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ऐड किया हूँ। आप जितने भी जो भी सॉन्ग आपको पसंद है वो MP3 को आप इधर से ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद देख सकते हैं हमारा वीडियो पूरा हमारा रेडी हो गया। उसके बाद आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाना है, उसके बाद आपको फुल HD में 1080p में आपको उसको एक्सपोर्ट कर लेना है। सो फ्रेंड, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से नया वीडियो जब भी मैं लेके आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।